सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ के अंतर्गत कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी खेल जो 27 जनवरी से 16 फरवरी तक आयोजित होगा सिविल लाइन स्थित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर, गुब्बारा छोड़कर तथा खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर इस महाकुंभ का शुभारम्भ किया तथा सांसद ने सभी खिलाड़ियों को शपथ भी दिलाई, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया कि इस खेल महाकुंभ का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है, स्थानीय व ग्रामीण खिलाड़ियों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके लिए यह सरकार की खास पहल है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों का सर्वाधिक उत्साह बढ़ाया है। खिलाड़ी विश्व स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया है। आज देश का युवा अपने सपना पूरा कर रहा है, सभी युवा देश का भविष्य है, इस खेल के माध्यम से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें ताकि अपने साथ इस पूर्वांचल प्रदेश व देश का नाम रोशन कर सकें। आप हमेशा बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करें और यह तभी संभव होगा जब आपका पूरा ध्यान अपने खेल पर होगा। उन्होंने कहा कि सभी युवा जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें एवं उस लक्ष्य पर सतत प्रयास करें, लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा, बिना लक्ष्य के जीवन का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए जीवन में बेहतर करने का सदैव प्रयत्न करें। इस अवसर पर कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, CDO संजय कुमार मीना, उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह, हरीश, पूर्व पार्षद मनीष सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा अपने सारे खिलाड़ियों से, ऐसे नहीं कि बहुत हमारे लोकप्रिय और जवान दिलों की धड़कन जो हमारे सांसद हैं, एक केवल सांसद हैं, उसके साथ ही साथ हमारे एक बहुत बड़े अभिनेता भी हैं भोजपुरी से। खेलों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और उसी कड़ी में आज इतना बड़ा मेला यहाँ खिलाड़ियों का लगाने के लिए हमको निर्देश दिए गए। मैं श्री समरेन विक्रम सिंह जी, जो माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि भी हैं, माननीय सांसद जी का स्वागत कर बैच लगाकर अभिनंदन करता हूं सारे खिलाड़ियों की ओर से और अनुरोध करता हूं श्री जय अनुवंशी जी से कि कृपया आपके माल्य पीछे करिए। कृपया आपके माल्यार्पण आपका स्वागत करें श्री विनोद CDO साहब का। CDO साहब ठीक है, जिम्नास्टिक के डिस्प्ले के लिए बच्चे तैयार रहे। अकेडमी द्वारा, नवकिरण अकेडमी द्वारा छोटा सा कार्यक्रम कृपया प्रस्तुत करना कष्ट करें, जल्दी शीघ्रता से आए। छोटे नन्हे मुन्नों के द्वारा एक बहुत सुंदर और देशभक्ति से ओत प्रोत ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके मध्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इसके बाद एक छोटा सा कार्यक्रम और है लोक नृत्य का, उसके तुरंत बाद उद्घाटन की घोषणा है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सांसद जी को। माननीय सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य से आए श्री राम, रज में उतरी भेड़िया। बड़े भाग्य से आए श्री राम, रज में उतरी भेड़िया। जुगे जुगे जी
यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के निर्देशों के क्रम में पूरे देश में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। यही नहीं, विधानसभा स्तर पर भी गोरखपुर की इस लोकसभा में 5 विधानसभाएं जिसमें सदर का आज कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, इसी प्रकार से पिपराई, सहजनवा, कैंपियरगंज ग्रामीण, गोरखपुर ग्रामीण, इन सभी विधानसभाओं में इन खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन सांसद जी के मार्गदर्शन में होने जा रहा है। मैं सांसद जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसका शुभारंभ कराया। बड़े कम समय, मात्र 2 दिन के समय इनको मिला था, 1 या 2 दिन का, और इतना सुंदर आयोजन आज इन्होंने कराया। हम जानते हैं, यही हम लोगों के पास वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर को मिला हुआ, वहीं दूसरी तरफ कैंपियरगंज को सबसे आधुनिक स्टेडियम, बाबा अवैधनाथ जी के नाम से ग्रामीण स्टेडियम योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से मिलकर के उसका कार्य निर्माण पूरा हो गया। और मेरे ख्याल से पूर्वी उत्तर प्रदेश का एथलेटिक्स के लिए 100 मीटर 200 300 800, ये जितने भी 100 मीटर्स के जो हमारे धावक हैं अच्छे, उनको एक बहुत सुंदर ट्रैक वहां मिलने जा रहा है। मैंने सांसद जी से कहा कि जो एथलेटिक के इवेंट हैं वो हमारे कैंपियरगंज में ज्यादा हो तो एक अच्छा वहां प्रारंभ होगा। उसी प्रकार से खेलकूद के माध्यम से जो हम लोगों को मिल रहा है दिन पर दिन, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से तमाम खेलकूद के कार्यों में रुचि लेने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आयोजन यहां से प्रारंभ हो रहा है और मैं चाहूंगा कि ये आयोजन निश्चित रूप से सांसद कालीबाड़ी मंदिर के द्वारा निकल के ओलंपिक्स में भी गए, कुछ इन्हों कुश्ती में बहुत आगे गए। अब ये वो चेहरे हैं जो आने वाले चेहरे हैं, जिसको हमारे मुख्यमंत्री गौर करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री गौर करेंगे, क्योंकि ये सारे फुटेजेस, ये सारे फोटोज, ये सारे वीडियोस मैं पीएमओ को आज ही भेजने वाला हूँ, क्योंकि ये उनके द्वारा शुरू किया हुआ है। तो इसकी सारी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री के कार्यालय से होगी। तो आप लोगों के पूरे जो पूरा महाकुंभ चलेगा, इसकी रिपोर्टिंग पूज्य महाराज जी द्वारा होगी, क्योंकि ये अब सरकार से जुड़ा हुआ खेल है। सरकार के सांसद एक इसकी बिगिनिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के यही निर्देश है। हमारे 303 सांसद जो समस्त भारत में है, इस वक्त ये पूरे भारत में चल रहा, तो गोरखपुर का सांसद मेरे होने की वजह से मुझे जिम्मेदारी मिली है। तो आप लोग इस पे जान लगा दीजिएगा, कोशिश ये करिएगा कि आपको प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं, पूज्य महाराज जी देख रहे हैं, पूरा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, आपको अनुराग सिंह ठाकुर जी देखेंगे, एवरीबॉडी, राज्य सरकार देखी, राज्य के स्पोर्ट्स पूरे डिपार्टमेंट आप लोगों पर नजर रखा है, आपका विद्यालय भी देख रहा है, आपका जिला जवाहर, आपके पड़ोसी भी देख रहे हैं। तो इसको जरा भी लाइटली नहीं लीजिएगा, ये आप लोगों के जीवन को परिवर्तन देने वाला ये थॉट है। तो मैं जनार्दन तिवारी जी पूर्व जिले बोलिए, हम शपथ ग्रहण करते हैं कि सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ में निर्धारित नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए जिले, राज्य और देश के लिए सच्ची हम वचन देते हैं। हमारे मध्य श्री शिव कुमार शाह, हमारे मध्य श्री आशीर्वाद मिश्रा जी, सुंदर रूप ले लेगा, जो खिलाड़ी नहीं पहुंच सके हैं वो कल तक यहाँ पहुंच जाए, उनको भी यहाँ जोड़ा जाएगा। और प्रयास ये किया जा रहा है माननीय सांसद जी द्वारा कि उनको भी यहाँ आमंत्रण किया जाए, ताकि आप खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जा सके और उनके द्वारा उनको पुरस्कार ग्रहण कराया जा सके। पॉइंट की खुशी है, जो खिलाड़ी इसमें पहलवान बहुत एफर्ट्स करते हैं उनको पॉइंट की अभिनंदन करता हूं।
किलोमीटर के। हट जाएंगे हम। मुख्यमंत्री जी को माननीय संगम होता है इसकी इंश्योरेंस का। पीछे मैं तो धीरे धीरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद किए। उन्होंने सांसद महाकुंभ इस स्पर्धा को उन्होंने एक रूप दिया जिससे कि हमारे बच्चे को, हमारे देहात के बच्चे, प्रधानमंत्री जी को हमेशा लगता था कि अमेरिका चाइना गोल्ड मेडल ब्रॉन्क्स मेडल क्यों लाता, और इनकी ये सोच जैसे होने लगा तो आपने देखा पिछले साल हमारे बच्चे भारत के ओलंपिक्स में गोल्ड और ब्रॉन्क्स और सिल्वर मेडल सबसे ज़्यादा ले आए, और हमारे बच्चे वो पैरा में भी रहे अगर वो जो शरीर से विकसित नहीं है जो शरीर से, वो लोग भी बहुत ग्रेट किए। तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरा श्रेय देता हूँ और इंकरेज करते हैं सारे सांसदों को। इस वक्त पूरे देश के सभी सांसद 303 भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने अपने जिले में इसको करवा रहे हैं। तो ये शुरुआत हमने की चूँकि पार्लियामेंट सदन शुरू होना था तो मैंने सोचा कि इसकी शुरुआत कर लूँ, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रश्न पूछते हैं हम लोगों से। हर ट्यूसडे हम लोगों की मुलाकात होती है उनसे, तो वहाँ पूछते हैं कि कौन कौन क्या क्या कार्य कर रहा है। तो मैं अपने इस कार्य को मैं बता सकता हूँ। इसके बाद कैंपियरगंज जाएंगे, सजनवा जाएंगे, ग्रामीण जाएंगे, पिपराइज जाएंगे, वह हर जगह पे हमारे सारे बच्चों के साथ हम इसको 9 दिन का खेल होगा। फिनाले में पूज्य महाराज जी से लेकर मेरा प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी वर्चुअली जोड़ूँ और अनुराग ठाकुर जी को भी यहाँ बुलाऊँ, ये प्रयास रहेगा। अभी मैं जाके यहाँ उनसे प्रधानमंत्री जी से मिलूँगा, 31 तारीख को या 1 तारीख को उनसे मुलाकात होगी, और मैं उनको भी न्योता दूंगा कि आप वर्चुअली जुड़े। पूज्य महाराज जी को तो मैंने बोल दिया है, महाराज जी फिनाली में रहेंगे वह आपके। तो यही है, ये प्रयास है कि हमारे बच्चे फिट रहें, हमारा दुनिया, हमारा देश फिट रहेगा, हमारे बच्चे फिट रहेंगे, स्पोर्ट्स में आगे आएंगे, ड्रग्स में, नशे से दूर रहेंगे, गलत संगत से दूर रहेंगे।